पीएल अप्रोप्रिएशन और पर्सनल अकाउंट्स बनवा देंगे सो प्लीज एवरीबडीज रिक्वेस्टेड टू ओपन में ही किया होगा बट फर्स्ट होमवर्क से क्लासवर्क में कर लिया तो नो no प्रॉब्लम आप उसी से चेक कर सकते हैं वेरी क्विकली चिल्ड्रेन ओपन योर होमवर्क कॉपीज और द कॉपी वेर यू set, सबसे पहली एंट्री होगी चिल्ड्रन पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एल अप्रोप्रिएशन टू लैफ फोर्टी थाउजेंडर इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू थर्टी सिक्स थाउजेंड टू बी इज कैपिटल ट्वेल्व थाउजेंड एंड इंटरेस्ट वुड बी डेबिटेड विद पीएल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैल्यू वुड बी फोर्टी एट थाउजेंडर आफ्टर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल वैल्यू इज सिक्स थाउजेंड

डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थर्टी सिक्स ट्वेल्व आउटर कॉलम में और मच फोर्टी एट उसके बाद टू सैलरी बस सैलरी के आगे वाली लाइन में ही ब्रैकेट में बी लिख दीजिए अगली लाइन पे डैश बी लिखने की जरूरत नहीं है बता देता हूँ टू सैलरी विद इन ब्रैकेट बी एंड इन द अमाउंट कॉलम सिक्सटी और थर्टी सिक्सटी सॉरी करेक्ट एंड देर आफ्टर प्रॉफिट का डिविजन टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल इट्स सिक्सटी सेवन फाइव सिक्सटी सेवन फाइव किसी ने यह तो नहीं प्रॉफिट चलिए कैपिटल अकाउंट चेक कर लीजिए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन सिक्स लैख एंड टू लैख बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थर्टी सिक्स थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड बाय सैलरी बी के कॉलम में सिक्सटी लिखेंगे ए में डैश हो जाएगा देर आफ्टर टू ड्रॉइंग्स सिक्सटी एंड फोर्टी टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू थाउजेंड एंड वन थाउजेंड स कैरेट डाउन ए का आंसर कितना आ जाएगा? 641, 500, and 298, से सिर्फ इतना ही था गोइंग बैक टू दी एस जी सेट और ये जो डीकेजी का आपने क्वेश्चन नंबर फाइव किया है होमवर्क इज इस क्वेश्चन को आप फिर से करेंगे आज की क्लास के बाद यूजिंग फिक्स मेथड अभी में मैं आपको अप्रोप्रिएशन और करंट कैपिटल बता दूंगा तो आप इस क्वेश्चन को फिक्स करेंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सैलरी दैट वी शुड बी गिविंग अगर डीड साइलेंट है तो बच्चों नो सैलरी वुड बी गिवेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ चलन नो इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना होता है अगर डीट साइलेंट है तो सिक्स परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब वो सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग नो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर पार्टनर लोन दिया है फर्म को तो इंटरेस्ट सिक्स परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट तो एक्चुअली सी और एफ सेम था इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर पार्टनर को लोन दिया गया है मतलब पार्टनर ने फॉर्म से लोन लिया है तो so क्या इंटरेस्ट होता है नो no इंटरेस्ट समझ में Next, आ गई बात नेक्स्ट कुछ दूरियां आ गई हैं इनके बीच में हमें यह बताना है कि इन तीनों में से कौन सही है ए पार्ट से ने रुपए किया बट पैसा था किसका बिजनेस का और उसने प्रॉफिट कमाया पांच हजार रुपए का क्यू एंड आर बोल रहे हैं कि ये पैसा तुम फर्म में लेके आओ. करेक्ट या बकवास कर रहे हैं सही तो बात करेक्ट तो आपने फर्म का पैसा यूज किया है तो आपको प्रॉफिट को फर्म को लाके देना पड़ेगा क्यू ने फाइव थाउजेंड रुपीज फर्म का यूज किया और उसे नुकसान हो गया और क्यू क्या चाहता है पूरा बिजनेस इस लॉस को बेर करे क्या पी और आर की कोई गलती थी इसमें तो क्यू सही बोल रहा है कि बकवास कर रहा है एग्जाम में ना लिखे बकवास कर रहा है आपको लेके आना है क्यू इज नॉट करेक्ट ओके हां हाँ हाँ पी एंड क्यू ने गुड्स खरीदे लिमिटेड से या खरीदना चाहते हैं ए लिमिटेड से आर कह रहा है ऐसा कैसे तो पी और क्यू क्या बोलेंगे यहाँ के हम लोग की बजाने आए हैं तो बिजनेस करना गुड्स खरीदना इज अ जनरल अफेयर ऑफ द बिजनेस तो क्या पी और क्यू गलत बोल रहे हैं oh, सही बोल रहे हैं बकवास कौन कर रहा है आर। आर। समझ में आ गया क्यू एंड आर चाहते हैं सी को एडमिट करें। पी कह रहा है नहीं ऐसे कैसे एडमिट कर लोगे तुम लोग तो सबको अग्री करना पड़ेगा तो क्या पी सही बोल रहा है पी क्या कर रहा है बकवास कर रहा है समझ में आ गया ने लोन दिया है है अच्छी बात है। और इंटरेस्ट मांग रहा है पी और क्यू इंटरेस्ट नहीं देना चाहते कौन सही है पी एंड क्यू क्यों आप ही ने मेरे को बताया था सर डीट साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर को ज्यादा मांग रहा है सिक्स मिलता है तो यहाँ पे अलाउड नहीं है तो आर क्या कर रहा है बकवास कर रहा है समझ में आगे बात पक्का ए बी सी पार्टनर्स चिल्ड्रन दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड चिल्ड्रन जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो बातें चली आनी चाहिए जैसे आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं और सामने ट्रैफिक पुलिस वाला है आपके दिमाग में चलाए आज गए मेरे पांच दस हजार रुपए देन वी स्टार्ट नेगोशियटिंग तो ये चीजें आपके अंदर पहले से आ जानी चाहिए समझ में आया और कभी कभी बच्चे कहते हैं सर ये होमवर्क नहीं किया लो है तो इसका खामियाजा कितना आपको भुगतना पड़ेगा नुकसान कितना होगा मैं ये समझा देता हूं ओला एंड उबर बड़ी फेमस कंपनी है मेरे पास इनकी एक रिसर्च रखी हुई है मतलब ये वास्तविकता नहीं है एग्जाम्पल है रियल रिसर्च नहीं है पता लगा यूट्यूब की वजह से मेरे चैनल की वजह से इनका बिजनेस ठप हो जाए और एक बहुत पुरानी रिसर्च ये बोलती है कि ओला की टेन करोड़ राइट्स और उबर की टेन करोड़ राइट्स पे एक सर्वे किया गया एक्यूरेसी पाई गई कि ओला के ड्राइवर्स नाइनटी एट परसेंट एक्यूरेटली ड्राइव करते हैं और टू परसेंट ऑफ द टाइम इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है पैसेंजर को गंभीर चोटें भी आई हैं हंड्रेड परसेंट नो एक्सीडेंट नाउ यू हैव टू चूज कि आप कौन सी सर्विस प्रेफर करेंगे ऊबर क्यों दस करोड़ ड्राइव में सिर्फ दो करोड़ एक्सीडेंट ही तो हुए हैं सॉरी बीस लाख एक्सीडेंट हुए हैं नाइन पॉइंट एट करोड़ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था क्या प्रॉब्लम है बीस लाख एक्सीडेंट ही तो हुए हैं तो नाइनटी एट परसेंट इज बैड मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन चाह रहा हूं कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर नाइनटी आ जाएगा तो बहुत आ जाएगा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है नाइनटी तब आएगा जब आप एक पढ़ाई की मेहनत करेंगे तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दस दस करोड़ राइट दोनों की है उबर का सक्सेस रेट है नाइनटी एट परसेंट मतलब नौ करोड़ अस्सी लाख ड्राइव्स में एक्सीडेंट नहीं हुआ और बीस लाख ड्राइव्स में एक्सीडेंट हो गया उबर का सक्सेस रेट है हंड्रेड परसेंट एक भी गाड़ी भिड़ी नहीं है आप कौन सी गाड़ी पे चलना चाहेंगे तो 98% खराब है क्या भाई 98% भी अच्छा होता है सिंपल वेरी गुड और मेन बात ये है भाई उस 20 लाख में हम भी तो हो सकते हैं एक और एग्जाम्पल डॉक्टर एक्स एंड डॉक्टर वाई दोनों हार्ट सर्जन है इंडिया के बेस्ट है आपको हार्ट सर्जरी करानी है किसकी ये आप सोच लीजिए समझ में क्या इनका सक्सेस रेट नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट एंड इनका हंड्रेड परसेंट दोनों ने एक एक लाख की है इनके सारे पैसेंजर्स सॉरी पैसेंजर्स कह रहा हूँ <laughs> पेशेंट्स जिंदा निकल आए सारे पेशेंट्स जिंदा निकल आए इनके पांच सौ डेथ हो गई किस डॉक्टर से सर्जरी कराई जाए क्यों भाई नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव खराब अब मजा आया ना जब मैं होमवर्क दूंगा बीस क्वेश्चन का सर दो ही तो नहीं हुए दो का खामियाजा देख लीजिए कितना भयंकर है तो अगर दो नहीं हुए तो आप उसी डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं जिसका सक्सेस रेट 95 परसेंट है बीस में से 19 लोग तो जिंदा बाहर आ गए एक जय माता दी राम राम सत्य है इंसान के घर वाले मस्त हैं समझ में आई बात तो इसीलिए होमवर्क अटेम्प्ट का सक्सेस रेट क्या होना चाहिए आंसर आए चाहे ना आए वो एक अलग चीज है पर यहां आप उस तरह के डॉक्टर मत बनिए जिसका अटेम्प्ट रेट ही नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट हो जाए समझ में आया पक्का तो दो बसेज हैं एक का ड्राइवर नाइंटी नाइन परसेंट एक्यूरेसी के साथ बस चला रहा है दूसरा हंड्रेड परसेंट दोनों ने एक लाख किलोमीटर बस ड्राइव की हुई है या एक लाख राइड्स की हुई है ये वाला ड्राइवर एक हजार बार या दस हजार बार या एक हजार बार सॉरी नाइन्टी नाइन है तो एक हजार बार बस को ठोक देता है ट्रैवल करेंगे ऐसी बस में

अप to that highest एक्यूरेसी लेवल एंड विच इज नॉट लेस देन हंड्रेड परसेंट जब भी होमवर्क ना करने का मन हो इस बात को याद रखिएगा कि आप किस तरह के डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं और किस तरह की गाड़ी में आप बैठ के चल रहे हैं उसका एक्यूरेसी लेवल क्या है समझ में आ गया और अगर होमवर्क नहीं कंप्लीट किए तो बुढ़ापे में ऐसा ही डॉक्टर आपकी सर्जरी करेगा 98 सक्सेस रेट है दो निपट जाएगा पेशेंट चलिए भाई आगे चलते हैं एबीसी वाला हो गया हमारा नहीं यही स्टार्ट करना है क्वेश्चन तो नंबर में अगेन इनके बीच में कोई डीड नहीं है अब जैसे ही आपने इतना पढ़ा ना फाइल क्लिक हो गई नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो सैलरी कमीशन नो ड्रॉइंग प्रॉफिट बराबर इंटरेस्ट परसेंट सिंपल समझ में आ गया ए चाहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए बट बी और सी अग्री नहीं कर रहे कौन सही बोल रहा है बच्चों बी और सी ए क्या कर रहा है बकवास अब अगली बार बर्गर किंग जाएंगे ना आप या बास्किन के आइसक्रीम खाएंगे तो आपको नजर आएगा बी पार्ट B wants that partner should draw a salary. A or C कह रहे नहीं भैया. Read silent है. ऐसा कैसे चलेगा? Who is saying all correct? A, and C. A and C. What B is a doing? बगवास. A and B want that C should pay interest on loan given to him by the firm. C ने firm से loan लिया है और कह रहा लो interest दे दो. क्या C को interest मिलेगा चलना? Answer? बिल्कुल नहीं. तो C एकदम

ए और बी ने अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है मान लीजिए ए हैज कंट्रीब्यूटेड ट्वेंटी लैक्स एंड बी हैज कंट्रीब्यूटेड टेन लैक्स क्या हो जाएगा चल ट्वेंटी और टेन का ए और बी चाह रहे हैं कि कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाए क्या सही है डीट साइलेंट है तो नो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो इक्वल रेशियो समझ में अभी बात चलिए तो इस क्वेश्चन से आपके स्टार्टिंग के थ्योरी के कांसेप्ट्स बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाएंगे बी एससी और पार्टनर्स इनके बीच में भी डीड नहीं है तो डूइंग क्वेश्चंस स्टार्टिंग इज जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार चिल्ड्रन आप पहले ही देख लें कि सो so कॉल्ड सामने क्या हो रहा है तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़े दिमाग में सारी फाइल्स अपने आप ओपन हो जानी चाहिए डिस्प्यूट्स होगा इनके बीच में बी कह रहा है कि मेरे को टेन परसेंट इंटरेस्ट चाहिए बिकॉज मैंने पैसे लगाए हैं क्या इसे इंटरेस्ट मिलेगा no, sir. कि वो अपने बेटे को पार्टनर रखेगा और आधा शेयर देगा प्रॉफिट का बी और एस कह रहे हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है दे आर करेक्ट और दे आर डूंग बकवास सही बोल रहे हैं देखिए सेम क्वेश्चन है पीछे आपने किया था ना कि पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते सर तो बेटा है और मैंने आपको पढ़ाते टाइम एग्जाम्पल दिया था कि आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं बाय डिफॉल्ट आप वहां पे प्रॉपर्टी में राइट रखते हैं प्रोवाइडेड घर वाले बेदखल ना कर दें आपको समझ में आ गया बाय डिफॉल्ट बट आपके पापा का बिजनेस अगर फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में है तो बाय डिफॉल्ट आप वहां पार्टनर पापा पापा हमें पार्टनर बना लीजिए ना पापा दो झापड़ों में कहेंगे जाओ घर जाओ बी एंड एस आर ऑफ द व्यू की चैटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन चैटर्जी से इंटरेस्ट लेंगे कितना लेंगे क्या ये सही है बच्चों अच्छा कितना लिखा होता तो सही होता गलत 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 चैटर्जी शुड बी चार्ज चैटर्जी को देने का कंपल्जन है लेने का कंपल्जन नहीं है सोचिए इतना मैंने बड़ बढ़ाया तब भी आप गलती करते जा रहे हैं क्यों क्योंकि आप कौन सी गाड़ी में चल रहे हैं जिसके ड्राइवर का सक्सेस रेट 97 है सौ में से तीन एक्सीडेंट करेगा दो लोग मरेंगे क्योंकि आप डेली किताब खोल के पढ़ते नहीं हैं डेली किताब खोल के जब पंडित जी पढ़ते हैं तब उनको गायत्री मंत्र याद होता है समझ में आया वाई टीचर्स आर सो मच प्रोफेशन इन टीचिंग बिकॉज दे रिपीटेड डेली तो आपको भी अगर आंसर सही देना है तो डेली पढ़ना पड़ेगा स्विमिंग आती होगी आपको आपको साइकिलिंग भी आती होगी गाड़ी चलानी भी आती होगी बट अगर आप स्विमिंग पंद्रह दिन ना करें छे महीना ना करें एक साल ना करें दो साल ना करें मर रहे होंगे तो बच के जरूर बाहर निकल आएंगे बट टूर्नामेंट तो कभी ना जीतने वाले स्विमिंग का क्योंकि आपने प्रैक्टिस छोड़ दी गाड़ी चलानी आती थी बहुत बढ़िया दो तीन साल ड्राइविंग छोड़ दी नॉर्मली हाईवे पे चला लेंगे बट बिजी ट्रैफिक में कहीं ना कहीं भिड़ देंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है समझ में आई बात तो डेली नोट्स पढ़ना है और नहीं पढ़ेंगे तो कौन से डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं 97% सक्सेस रेट है इस डॉक्टर का हार्ट सर्जरी में दादाजी से पूछिएगा दादाजी हार्ट सर्जरी करानी है एक डॉक्टर उनका 75% सक्सेस रेट है 25 पेशेंट मर जाते हैं 100 में से दादाजी वही छंडेल निकाल के मारने लगेंगे तुमको तो इसलिए आपका भी सक्सेस रेट वही हो जाएगा अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे तो सुनाई पड़ी बात तो कभी भी मन भटके पढ़ाई से बस ये सक्सेस रेट याद कर लीजिएगा अगर आपने सोचा कि नहीं इतना पढ़ चुके बहुत हो गया और आंसर नहीं दे पा रहे हैं कौन से डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं सक्सेस रेट 95 परसेंट पांच पेशेंट मरेगा सरकार बाबू ने पैसा फॉर्म से निकाला तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए निकाला तो बोलते हैं बी और सी चाह रहे हैं कि इससे इंटरेस्ट वसूलें के रेट से आर दे करेक्ट कितना इंटरेस्ट होना चाहिए हाँ अब थोड़ी लाइन आ रही है लोन पे सिक्स परसेंट हम देंगे पार्टनर को पार्टनर से ड्रॉइंग्स पे कोई इंटरेस्ट हम डीट साइलेंट पे नहीं वसूलते हैं ठीक हर्षद एंड धीमान फर्स्ट अप्रैल 2019 को इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ और पार्टनरशिप डीड नहीं है कैपिटल फोर लाख और वन लाख है इस पॉइंट को जरा आप करेंगे इंपॉर्टेंट इसने लोन दिया है तो बाय डिफॉल्टे छह परसेंट इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ले सकता है और एक लाख का लोन दिया है बीमार हो गया बेचारा तो बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और प्रॉफिट आया वन लड़ाई झगड़ा हो गया लड़ाइया बहुत करते हैं लोग हर्षद क्या कह रहा है टेन परसेंट इंटरेस्ट कैपिटल और लोन पे देना चाहिए फर्म को हमें बकवास कैपिटल कैपिटल पे पे तो नो है और लोन प्रॉफिट के रेशियो में शेयर हो अगर डीट साइलेंट है तो क्या कर रहा है एग्जाम में ना लिख के चलेना बीके बीके की समझ नहीं कह रहा है कि प्रॉफिट इक्वली बटना चाहिए ओके और वो कह रहा है कि मेरे को दो हजार रुपए रेम्यूनोरेशन भी मिले क्योंकि मैं बिजनेस मैनेज कर रहा हूं नो नॉट एट ऑल क्या कर रहा है ये बकवास लोन पे और पे और कैपिटल इंटरेस्ट चाह रहे हैं कुछ भी नहीं मिलेगा लोन पे तो सही बात है हर्षद हैड गिवन धिमान कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन छे परसेंट है तो धिमान अपने लिए और हर्षद के लिए इंटरेस्ट कैपिटल पे दोनों के लिए मांग रहा है बट लोन पे इंटरेस्ट सिर्फ उसके लिए मांग रहा है जिसने लोन दिया है अपने लिए कैसे मांगेगा अपना तो उसने लोन दिया ही नहीं जिसने दिया उसके लिए मांग रहा है तो कौन सी बात इसकी सही है लोन वाली समझ में आ गया बाकी ये बकवास कर रहा है समझ गया बच्चों पक्का चलिए लेट्स गेट डाउन टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन चले आगे सबसे पहले जलपाईगुड़ी किया है इसमें आपने तो जलपाईगुड़ी क्या होता है जलपाई गुड़ी का मतलब जे फॉर जर्नल पी फॉर पीएल एल अप्रोप्रिएशन और गुड़ी को थोड़ा सी बना दिया कैपिटल अकाउंट पीएल टू पीएल एटी थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट नाइन्टी सिक्स हंड्रेड टू ए कैपिटल टू बीस कैपिटल थर्टी सिक्स हंड्रेड पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाइनटी सिक्स हंड्रेड समझ गए

और बी का एक लाख छह हजार समथिंग आठ सौ आ जाएगा वॉट इट क्लियर वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड सॉरी जो भी एक है मैं आपको बताना क्या चाहता हूं अगर मैं आपसे पूछू ए एंड बी आपका आंसर क्या होगा तो देखिए यहीं पे गड़बड़ी होगी ना मैंने पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू बी आंसर करने के लिए कान और आंख का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है मैंने पूछा प्रॉफिट कितना दिया है क्या आंसर होगा आपका ठीक है अब जरा डी सॉरी टीएस ग्रेवाल वाला क्वेश्चन बैंक का आंसर वाला पोर्शन ओपन करिए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में देखिए आपको डिविजिबल प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स का सत्रह दो सौ सत्रह दो सौ लिखा हुआ नजर आएगा बैक आंसर्स में देखिए सत्रह दो सत्रह दो लिखा हुआ नजर आएगा मिल गया पक्का आंसर मिल गया सेवेंटीन टू हंड्रेड सबको मिल गया होगा अब अगर आपसे मैं पूछू व्ट इज द टोटल अमाउंट गिवेन टू ए एंड बी तो ए के लिए आंसर होगा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड और बी के लिए आंसर क्या होगा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड नजर आ रहा है नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर का आंसर देख लीजिए जरा सेम क्वेश्चन है पार्टनर्स का नाम चेंज हो गया है ए और बी की जगह सी और डी हो गया है सेम क्वेश्चन है और देख लीजिए आंसर क्या लिखा है इसका पूछा भी गया में दोनों नंबर दोनों में आंसर अलग अलग है सर ऐसा क्यों किया टी एस ग्रहवाल अंकल ने ऐसा इसलिए किया बिकॉज उन्होंने इन्हीं क्वेश्चन से अपना एमसीक्यू तैयार किया हुआ है तो एक बार उन्होंने एमसीक्यू में सेम क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू दार्टनर्स ऑप्शन ए सत्रह दो सौ सत्रह दो सौ ऑप्शन बी तेईस दो सौ छप्पन सी पचास हजार पचास हजार ऑप्शन डी एक लाख एक लाख तो आपका आंसर होगा सत्रह दो सौ सत्रह दो सौ फिर एमसीक्यू बनाया उन्होंने व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन मिस्टर ए एंड बी गॉट फ्रॉम द फर्म यहां पे भी आपको यही ऑप्शन मिलेंगे बट अब आपका आंसर क्या होगा ट्वेंटी थ्री टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स है बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है बहुत ध्यान से प्रॉफिट कितना है तो आंसर सत्रह दो सो सत्रह दो सौ है टोटल रेम्यूनरेशन कितना है उसमें प्रॉफिट सैलरी ये सब भी आ जाएगा गॉट इट क्लियर सर और कुछ भी आ सकता है नेट रेम्यूनरेशन कितना मिला है ये क्या है सर जितना मिला वो प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्रॉइंग्स वो नेट रेम्यूनोरेशन आएगा पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट जब आप पूरा होमवर्क करेंगे होमवर्क करने के बाद स्टार रेटिंग करेंगे अपनी तब काम बनेगा सिर्फ होमवर्क करने से नाइन्टी किसी का ना आने वाला किसी का नहीं आएगा आप एनालाइज करिए कि आप कर क्या रहे हैं समझ में आया क्वेश्चन आता था बच्चे पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे बोर्ड एग्जाम में बगल वाले को छपा देते थे उसका भी नाइनटी इसका भी नाइनटी सी एग्जाम में नाइन्टी का नाइन हट जाता दोनों का जीरो आता था क्यों क्योंकि वहां पे एप्लीकेशन टेस्ट हो रहा है कि आपकी अकल कितनी है और यहाँ पे सिर्फ नॉलेज टेस्ट हो रही है अब बोर्ड एग्जाम्स भी गिरगिट बन गए रंग बदल रहे हैं अपना से एग्जामी एप्लीकेशन टेस्टिंग है आप लाख सौ सवाल कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल करने के बाद एक घंटा उसमें जुटना पड़ेगा इसमें और हो क्या सकता है खाली बैठ के सोचते ना आज बर्गर क्यों जाएंगे बर्गर खाएंगे जैसे बर्गर मुंह में जाएगा कच्चे से आवाज आएगी इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है सोचते हो ना इतना अब पढ़ाई के लिए उतना सोचना पड़ेगा नहीं तो बारहवीं में निपट जाएंगे आप गारंटी निपट जाएंगे इस बार CBC का बच्चों पचास 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 लिख के आ रहे हैं बच्चे बट आंसर क्या है 46. 46. <laughs> समझ में आया कि नहीं पक्का मीन मेक निकालना सीखिए क्रिटिसाइज करना सीखिए अपने को तब जाके बोर्ड में सौ नंबर नब्बे नंबर पंचानवे नंबर की उम्मीद बनेगी खोपड़े में बात गई कि नहीं गई तो यू हैव टू बी जीनियस यू हैव टू बी क्रिएटिव यू हैव टू बी इंटेलिजेंट अभी नेट वाली बात मैं आपके सामने कर रहा हूं मैंने किसी बैच में भी इसकी बात की भी नहीं थी तो दिमाग में कुछ भी आ सकता है आपको सोचना है और क्या हो सकता है और जब सोचेंगे तो लिटरली वो चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछा जाएगा आप कैपिटल अकाउंट बनाना तो जानते ही हैं एक नंबर का क्वेश्चन आएगा डिटो सेम

और ट्वेल्थ क्लास में थोड़ा पेपर बाई चांस इजी बन गया ऐसे चार ही पांच क्वेश्चन आएंगे सीवीटी सी फाउंडेशन तो भरा पड़ा इन क्वेश्चन से वहां तो आते ही जाहिल ऐसे क्वेश्चन है वहां तो सिंपल कुछ आता ही नहीं है बच्चा कहता है हम तो नाइन्टी लाए थे था में वहां सीटी निकल क्यों नहीं पाया क्योंकि नाइनटी तब लाए थे जब आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही थी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम बच्चों नॉलेज नहीं टेस्ट करता वो एप्लीकेशन टेस्ट करता है घड़ी में कितनी सुइया होती है टाइम बताने के लिए दो

ठीक है फिर, फिर ऐसे बन गया फिर ऐसे बन गया फिर ऐसे बन गया सर एक दो तीन चार अरे बाहर वाला भी तो है सिंपल एज दैट एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड मैं डरा नहीं रहा हूं मैं बता रहा हूं कि दिस इज द लेवल एज ऑफ दुडे चिल्ड्रेन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हाँ जिनको तैतीस पैंतीस लाना उनको तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है उनकी तो औकात ही नहीं है पढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ कि सौ कैसे आएगा और निन्यानवे कैसे आएगा तैतीस पैंतीस तो आ जाएगा नॉर्मल सा पढ़ लीजिए तैतीस पैंतीस में कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉजिक समझ में आ रहा है यू हैव टू बी क्रिएटिव आप ये नहीं कि बस दस क्वेश्चन सर पुलिस, पुलिस सोचना बंद करती है क्रिमिनल वहां पे सोचना स्टार्ट करता है पुलिस रिटायर होती है क्रिमिनल कभी रिटायर नहीं होता न्यू वेज एंड मीन वो लोग निकालते रहते हैं समझ में आई बात तो डरने की जरूरत नहीं है पढ़ने की जरूरत है अंडरस्टैंड दिस पक्का तो आप परेशान मत होइए मेरे पास बहुत ढेर सारा स्टॉक है लाखों क्वेश्चन का मैं आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा चलिए तो सबने बना लिया ये पीएल अप्रोप्रिएशन एक बार चेक कर लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट डाउन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनर कॉलम में छ हजार छत्तीस सौ बाहर छियानवे सो टू सैलरी ब्रैकेट में बी अमाउंट कॉलम में छत्तीस हजार टू कैपिटल टू बीज कैपिटल सत्रह दो सो सत्रह दो सो समझ गए चलिए अभी देखिए मैं इंटेलिजेंस आपका टेस्ट करूंगा थोड़ी देर में नॉलेज तो है सबको प्रश्न संख्या सोलह सबने जर्नल बनाया आंसर होगा कुछ बच्चे कहेंगे सर कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं मिला ओपनिंग बैलेंस जिन्होंने क्रिएटिविटी शो की होगी उनका आ गया होगा और ये उनका आया होगा जो फिफ्थ क्लास में जब टीचर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा था क्लास में बैठे थे जो वॉशरूम गए तो उनका नहीं आएगा अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा सर थोड़ी क्यूरियसिटी पहले बता दीजिए चलिए बता देते हैं दस हजार रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भाई और इंटरेस्ट है I PRT 100. कितना इंटरेस्ट टेन थाउजेंड प्रिंसिपल नहीं पता रेट फाइव टाइम वन ईयर कितना आएगा आंसर दो लाख ,00 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा पक्का किसका किसका आ गया था भाई दो चार लोगों का

भाई पचास पार्टनर सबको पता है पचास पार्टनर है सबको पता है बट और कितने एडमिट हो सकते हैं ये तो किसी ने सोचा ही नहीं और आंसर एकदम आसान था बहुतों ने सही भी किया चलिए पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन नाइन फाइव सेवेंटी फाइव सैलरी टू प्रेम्स कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी थर्टी थाउजेंड कमिशन टू मनोज कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन टू कमीशन टेन थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रेम्स कैपिटल टू मनोज कैपिटल साढ़े सत्रह हजार दस हजार और साढ़े सात हजार

हाउ मच ईच ट्वेंटीड एट फिफ्टी ट्वेंटी थाउजेंड एट फिफ्टी एंड थर्टी नाइन हंड्रेड करेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन टू प्रेम्स कैपिटल टू मनोज कैपिटल ओके तो अब कैपिटल अकाउंट अगर आपने बनाया और बाय बैलेंस डॉट डाउन वैल्यू लिख ली तो ठीक है नहीं लिख ली तो आपको समझ में आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी बाय कमीशन बाय पीएल एल अप्रोप्रिएशन चार चीजें डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा बस ड्रॉइंग्स आप नहीं लिख पाएंगे अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमने लिख लिया हमने क्या किया था सर ट्वेल्व फिफ्टी को सिक्स से डिवाइड कर दिया था और हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया था वही इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट टाइम टाइम कितना था भाई वन ईयर अपॉन ऑन हंड्रेड तो बच्चों ट्वेल्व फिफ्टी इंटू हंड्रेड हो गया कि नहीं हो गया डिवाइडेड बाय सिक्स ऐसे आपने शायद ड्रॉइंग्स भी निकाल लिया होगा ऐसे आपने ड्रॉइंग्स भी निकाल लिया होगा ऐसा क्वेश्चन इस साल पूछा गया था बट वो पार्ट ऑफ द सिलेबस है वो जनरल क्वेश्चन था जो टेढ़ा था मैंने आपको बता दिया कैपिटल वाला जो आपको क्लिक नहीं किया होगा खैर चलिए कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया था चलन ट्वेंटी थ्री बच्चों इक्वेशन इन क्लास इलेवन टी थ्री ट्वेंटी फोर करके ले आएंगे क्योंकि अकाउंटिंग में ये चीज में आपको बता चुका हूं थोड़ी हिंट देता हूं

A की जगह सी आ जाएगा बी की जगह फोर्टी फिफ्थ चेक करिएिफ्थ चेक करिए मिल गया फोर्टी फिफ्थ फोर्टी फिफ्थ मिल गया इट सेज पीएल टू pl एल अप्रोप्रिएशन दो लाख सोलह हजार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल टू विजय कैपिटल पैंतीस बीस पंद्रह पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थर्टी फाइव थाउजेंड

वन ट्वेंटी फाइव सेवन हंड्रेड कैसे कैसे बटेगा फिफ्टी थाउजेंड टू एट्टी समझ में आ गया समझ में आ गया अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लू स्टेट आ सिचुएशन वेयर पार्टनर इज क्रेडिटेड अदर देन द टर्म्स ऑफ द डीड डीड के आइटम्स जो होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी ड्राइंग वगैरह 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 इनको छोड़ के पार्टनर कहां पे क्रेडिट होता है गलत डिजिटल प्रॉफिट भी तो डीड का आइटम होता है सैलरी in नहीं है ड्राॅइंग नहीं है प्रॉफिट तो है ना प्रॉफिट तो नो से आपने लिंक कर लिया आपने अपने ब्रेन को गलत प्रोग्राम कर लिया बहुत सोचिए बहुत सोचिए बहुत खतरनाक है सी और सीए फाउंडेशन इतना आसान नहीं होता है वो जीनियस चाहते हैं कितना आप सोच सकते हैं कितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं कहने को सीए फाउंडेशन का पेपर होता है, लेवल का ही होता है उसके पर अब तो और खतरनाक ना, दो -दो है एक दो साल में चालू होने वाला है आपको लग रहा है दो भी सही हो सकता है और दोनों जब सही होगा तभी नंबर मिलेगा वॉट इट क्लियर तो डगर आसान नहीं है चलिए पीएल अप्रोप्रिएशन बाय पीएल नेट प्रॉफिट दो सोलह बाहर 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 अब देखिए मैंने क्वेश्चन पहले से रटा नहीं है मेरे दिमाग में मैंने कुछ बड़बड़ा दिया और आपने तो हम फर्स्ट आएंगे बस नहीं आप बस्ट हो गए सोचिए सोचिए और आप तब सही आंसर दे पाएंगे जब आप उसको बहुत पढ़ेंगे बार बार रीड करेंगे और कैसा क्वेश्चन बन सकता है क्या आ सकता है चोर वाला दिमाग बनना पड़ेगा जितना ज्यादा गोदरेज का सेफ्टी लॉक मजबूत चोर का दिमाग उससे और ऊपर सोचेगा कैसे मैं इसको तोड़ू? समझ में आया कि नहीं पक्का तो सब चोर लोग ने क्या किया गोदरेज वालों से ठेका ले लिया हम ताला बनाते हैं हमारा ताला लगा दो और ताले की चाबी है हमारे पास ऑलरेडी और उसमें चिप फिट कर देंगे कहा लॉकर गया है वहां वहां चोरी करने पहुंच जाएंगे चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स यहाँ पे क्या करना था पे उल्टी करनी थी मतलब सबसे पहले आप पीएल टू पीएल एल अप्रोप्रिएशन लिख देंगे ये चीज मैं इलेवन में सिखा चुका हूं कैश इन एक्सेस ऑफ रूपीज टेन थाउजेंड वॉज सेंट टू बैंक याद आया कैश बुक पूरी कैश बुक बना लेते थे एक लाइन छोड़ के बैलेंस लिख लेते थे डिफरेंस आता था ठूस देते थे वही चीज यहाँ पे करनी है सिंपल एलजरा है तो आप पीएल टू पीएल एल अप्रोप्रिएशन लिख के एंट्री छोड़ देंगे वैल्यू नहीं लिखेंगे पता नहीं है सारी एंट्रीज कर लीजिए ठीक है उल्टा कर दीजिए क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस डेबिट शॉर्ट आता था प्रॉफिट दिया हुआ है और आसान तरीका पीएल बना लीजिए ढेर सारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लास में इस तरह का क्लोजिंग स्टॉक इसीलिए बोलता था सारा एप्लीकेशन इलेवेंथ क्लास का लिख के वैल्यू छोड़ दीजिए एक्स लिख लीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ट्वेल्व फिफ्टी एंड सेवन फिफ्टी कितना टू थाउजेंड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका टोटल थर्टी फाइव थाउजेंड टू सैलरी आ जाएगी आपकी थर्टी सिक्स टू कमीशन आ जाएगा टू टू कौन से पार्टनर है कैपिटल कैपिटल ये सब डेबिट में है और ये क्रेडिट में है एक्स की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी क्या वन एटी सेवन आ रहा है समझ में आ गया चलिए तो मैंने प्रॉमिस किया था बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया जाएगा सम्मान जी को सम्मान जी को अगली क्लास में सम्मान किया जाएगा

ट अकाउंट डेबिट एटीन हंड्रेड एम्स करंट अकाउंट डेबिट नाइन हंड्रेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंगी फोर हंड्रेड टू पी एल अप्रोप्रिएशन फिफ्टी फोर हंड्रेड समझ में आ गई बात बस फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा पीएल अप्रोप्रियन टू एस एस करंट टू एम्स करंट कितना वन ट्वेंटी था डिडी एंड ट्वेंटी समझ में आ गया चलिए तो लास्ट एंट्री कर लिया हमने नेक्स्ट चिल्ड्रेन क्वेश्चन है रीना एंड रमन पहली एंट्री सेम है पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीनास करंट टू रमन करंट 18000 और 6000 अगली एंट्री सेम है सैलरी टू रमन करंट 30000 अगली एंट्री सेम है रामनस सॉरी रीनास करंट टू रीनास ड्राइंग्स रामनस करंट टू रामनस ड्राइंग 3020 देन रीनास करंट अकाउंट डेबिट 1000 रामनस करंट अकाउंट डेबिट 500 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हाउ मच 1500 इक्वल पार्टनर का मतलब दोनों के पापा मम्मी के पास बराबर वेल्थ है दोनों सेम गुड एंट्री होगी समझ सब लोग अनुभा एंड काजल सेम क्वेश्चन पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन 45000 सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनुभास करंट 8400 टू काजल करंट 6000 पीएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी चौदह चार सौ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अनुबास करंट टू काजल्टी फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव हंड्रेड एंड थ्री थाउंडलिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट करंट टू टू सही है yes. कोई ये तो नहीं पूछना चाहता सर इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में क्लोज क्यों नहीं किया अरे ये इनकम और एक्सपेंस का आइटम थोड़ा है जो नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा ये तो वही बात हो गई मिक्सर के अंदर लोग क्या कर रहे हैं सर इसमें बहुत चीजें मिक्स हो जाती हैं दाल चावल खाने हैं टाइम नहीं है शॉर्ट में करना है मिक्सर के अंदर डाल के मिक्सर दिया फिर खा रहे हैं देन इट इज अनुभास करंट अकाउंट डेबिट फोर ट्वेंटी करंट अकाउंट डेबिट टू ट्वेंटी एंड फाइनली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पीएल अप्रोप्रिएशन सिक्स फिफ्टी देन पीएल अप्रोप्रिएशन टू आएगी वैल्यू टोटल प्रॉफिट है 833 थर्टी थ्री एंड सेवन वन सेवन नाइन वन चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैसे पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा अंडर फिक्स्ड मेथड वर्कबुक में जगह है आपके पास इसी फॉर्मेट को हम यूज कर लेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट चलिए समझ में आ गया तो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या लिखी थी हमने बच्चों पीएल टू पीएल अप्रोपरिएशन तो पोस्टिंग वील बी डूंग बाय पीएल अकाउंट वॉट नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना था वेरी गुड नेक्स्ट एंट्री के बाद वाली एंट्री क्या है नेक्स्ट एंट्री के बाद वाली एंट्री क्या है तो yeah, so we'll salary. Salary so, जो कुछ लोगों ने डिप्लोमा किया है में ये अपना का सर्टिफिकेट पढ़ के फेंक दे जरा क्योंकि अगर शॉर्ट पढ़ाई करेंगे तो नंबर सुपर शॉर्ट आएंगे और घर वाले लॉन्ग कर देंगे रिपीट के अगली एंट्री क्या है अनुभ का इंटरेस्ट थाउजेंड टोटल कितना क्या थी बच्चों या नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंगुड तो हम क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अनुभा

चिल्ड्रन द ओनली डिफरेंस इज इन प्रिपरेशन ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन का ट्रांसफर ऑफ डिविजल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बाकी सब कुछ सेम है तो नेक्स्ट चिल्ड्रन वील बी प्रिपेयरिंग वॉट इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट्स तो पर्सनल अकाउंट्स में चिल्ड्रेन हम दो अकाउंट बनाएंगे पहले एक कैपिटल अकाउंट आई वुड लाइक एवरीबडी टू प्रिपेयर दिस बिकॉज ये जो वर्क बुक में फॉर्मेट बना हुआ है कैपिटल अकाउंट के लिए जस्ट बिलो पीएल अप्रोप्रिएशन थोड़ा सा अनईजी है तो उसको इग्नोर करिए और आपके पास वर्क में जगह होगी लाइक आई एम ड्राइंग आई वांट यू पीपल आल्सो टू ड्रॉ इट लाइक दिस टाइटल इट एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिक्यूल अनुभ काजल अनुभाजल टाइम पीपल आर ड्रॉइंग पीपल कैन आंसर मी आउट वॉट वी यूज टू राइट फर्स्ट एंड फोर्मोस्ट जब हम कैपिटल अकाउंट बनाया करतेथड अगेन गलत आंसर मैंने पूछा वॉट वी यूज टू राइट मैंने ये नहीं पूछा हाउ वी यूज टू राइट क्या पूछा वॉट वी यूज टू राइट तो आंसर होगा मेरे को सर ट्वेल्थ में तो नाइनटी सिक्स आ गया सीए फाउंडेशन तीन अटेम्प्ट दे रहे क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं ये दो चार क्वेश्चन उनसे पूछो तो गलती अपनी समझ में आती चौथा अटेम्प्ट क्लियर हो जाता उनका क्योंकि उनको आता सब कुछ है तरीका नहीं आता बस समझ में आया जैसे पुराने जमाने में कुछ लोगों के पास बजाज सुपर स्कूटर होता था अब उनकी आदत थी सवेरे स्कूटर टेढ़ा करके स्टार्ट करेंगे क्योंकि उनको पता था कि शॉर्टेज ऑफ फ्यूल रहता है ये नहीं कि चौक का स्विच ऑन कर लें और उस तरह से स्टार्ट कर लें तो अनपढ़ में और पढ़े लिखे में सिस्टम का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता है जो इंटेलिजेंट होता है और जो इडियट होता है दोनों को कंटेंट बराबर दिया गया है एक ने रिटेन करके एनालाइज कर लिया तो टॉपर बन गया और दूसरा या तो रिटेन नहीं कर पाया या तो एनालाइज नहीं किया ओके चलिए व्हाट वॉज द अमाउंट ऑफ कैपिटल बच्चों नाइनटी एंड सिक्सटी सेवा समाप्त क्लास की नहीं कैपिटल अकाउंट की और कुछ भी आप अभी इस कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे दिस इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन फिक्स्ड मेथड हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलें और पूरी तरह से बर्बाद हो जाए क्योंकि हम अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं समझ में आई बात कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना नहीं नहीं तू पड़ोसी के साथ ना खेल तेरा पूरा खानदान आई टी एन है ये पड़ोसी वाले नीट वाले हैं पता लगा बच्चा उनके साथ खेला और सीए बन गया <laughs> चलिए कुछ होते हैं श्रूट टाइप के लोग सो so, हम अपने बच्चे को बिगड़ना नहीं देना चाहते सो अगेन चिल्ड्रन हमारा कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन भी वही आएगा ये चीज़ आपने इलेवंथ में एक जगह पढ़ी थी अगर आप मेरे को हाँ वेरी गुड देखा दिमाग चलने लग गया ना आपका दिमाग चलने लग गया बट दिमाग में थोड़ा कैस्ट्रोल जी टी ट्वेंटी डालने की जरूरत है दिमाग सबका चलता है जब डेप्रिसिएशन में हम बनाते थे एक्यूमुलेटेड वाला अभी पढ़ेंगे ट्वेल्थ में कोर्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट में आखिरी चैप्टर में चार नंबर का आता है वो आईसीसी दोनों में तो वहां डेप्रिसिएशन जब आप असट अकाउंट बनाते थे तो वो भी एक तरह से फिक्स सिस्टम ही था एग्जैक्टली यही चीज थी समझदार है लोग चलिए और ये जो ऊपर वाला अकाउंट है बच्चों इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं और क्या नाम रख देते हैं इसका पार्टनर्स करंट अकाउंट और अगेन एंड अगेन आई एम सिर्फ उनको समझ में आएंगी जिन्होंने मूवी देखी है हम साथ साथ हैं मतलब जो क्लास में साथ है वही मेरे साथ है और जो सोच रहे कि आज कर लेंगे कल कर लेंगे परसों कर लेंगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा वो चलिए समझ में आ गया आप फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है अभी भी थोड़ा कम समझ में आया क्योंकि मैंने पूरा समझाया ही नहीं है फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि आपकी जो कैपिटल की वैल्यू है वो चेंज तो सर ये क्या है मुर्गी कांडा ये कैपिटल का बैलेंस है कैपिटल की वैल्यू तो सर कैपिटल की वैल्यू और कैपिटल के बैलेंस में क्या फर्क होता है बताऊंगा टेंशन मत लीजिए सब कुछ आज ही बता दूंगा तो सीक्रेट क्या रह जाएगा फिर चलिए बच्चों तीसरी जर्नल एंट्री बताइए सॉरी दूसरी जर्नल एंट्री बताइए क्या लिखी थी सीक्वेंस में सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनुभास करंट टू काजल करंट तो अनुभव और काजल के करंट में लिखेंगे आप बाय सैलरी एक एंट्री छोड़ दीजिए इसके बाद वाली बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सॉरी हाँ एक छोड़ दीजिए इसके बाद वाली बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टू ऑन कैपिटल आपको फील आ रहा होगा सर जो फ्लक्चुएटिंग मेथड था ना वो इंडिया बिफोर 1947 था अब दो टुकड़े हो गए कैपिटल अकाउंट पाकिस्तान बन गया विद लेसर स्पेस लेसर रिसोर्सेज और करंट अकाउंट इंडिया बन गया सही में इंडिया करंट है तभी पूरे दुनिया देश में सेंसेशन फैलाई हुई है वैल्यू इज फोर्टी फाइव हंड्रेड एंड थ्री थाउजेंड चलिए हूँ ये आंसर आप मेरे को दे सकते हैं गूगल कर लीजिएगा करंट अकाउंट को करंट अकाउंट क्यों बोलते हैं ये मत बोलिए सर उसको छू के देखा था उसे करंट लग रहा था सर वाई करंट अकाउंट इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट बस क्वेश्चन दे दिया आप आंसर मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप लोग ठीक है चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन क्या एंट्री आपको नजर आ रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज करने के बाद करंट टू अनुबास काजल्स करंट टू काजल्स ड्राइंग तो टू ड्राइंग्स लिख देंगे एटी फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव हंड्रेड करेक्ट समझ गए उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एडजस्टिंग एंट्री क्या थी

टू अनुभाजल बायपीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वॉट वॉज द वैल्यू फिफ्टीन एट थर्टी थ्री एंड सेवन नाइन सेवन एक इंपॉर्टेंट चीज है लोगों के दिमाग में घूम रही है कुछ बच्चे डर के मारे नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने माउंटेन ड्यू नहीं पिया डर के आगे जीत है लोग बोल रहे होंगे सर पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते समय भी बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉडडाउन लिखते थे ओपनिंग बैलेंस की तरफ इन कैपिटल ऑल्सो वी यूज टू डू द सेम ये करंट अकाउंट से ऐसी दुश्मनी क्यों है होता है करंट का भी ओपनिंग बैलेंस ये नया बिजनेस था इसलिए नहीं मिला अगले साल से इनको मिलने लग जाएगा क्योंकि इस साल यहाँ पे कचौड़ी बन गई है कचौड़ी मतलब कचौड़ी दवा लू सी डी कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस जिस साल आ गया है तो नेक्स्ट ईयर से करंट अकाउंट का या अगले क्वेश्चन से आप बोल सकते हैं करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको मिलेगा बट 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 प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट क्रेडिट रहता है लॉस बाय डिफॉल्ट डेबिट रहता है कैपिटल बाय डिफॉल्ट क्रेडिट रहता है ड्रॉइंग्स बाय डिफॉल्ट डेबिट रहता है करंट अकाउंट बच्चों डेबिट भी हो सकता है एज वेल एज क्रेडिट भी हो सकता है हमारे एग्जाम्पल में अनुभा को लेना ज्यादा पैसा है और देना कम है तो क्रेडिट बैलेंस है काजल को भी लेने ज्यादा पैसे और देने कम है तो क्रेडिट बैलेंस है अगर ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बहुत ज्यादा हो जाए और ये बहुत कम हो तो कैरिट डाउन यहाँ पे लिखेंगे ना आप फिर इनका डेबिट बैलेंस आ जाएगा ओके तो जैसे कैश बुक में कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, बैंक का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है ठीक है चलिए वैल्यू अगर किसी ने कैलकुलेट किया टेन थाउजेंड वन नाइनटी टू टोटल आ जाएगा बच्चों कितना ट्वेंटी एट सेवन थर्टी थ्री यहाँ के लिए है बच्चों 16, 9, 1, समझ में आ गया समझ में आ गया नहीं समझे पक्का ये। तो इसी के साथ आपका बेसिक बुक कीपिंग इस चैप्टर का खत्म होता है अब आपको ढेर सारे कैलकुलेशंस पढ़ने हैं पच्चीस से तीस तरीके तो अकेले ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के हैं पांच तरीके अकेले कैपिटल के इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग के हैं चार तरीके उसको कैलकुलेट करने के हैं तीन तरीके प्रॉफिट शेयर करने के हैं आठ तरीके कमीशन कैलकुलेट करने के हैं सुनाई पड़ रही है ना तो अब आपको डेंड्रफ दिखाया जाएगा कल से ओके पक्का ये मत सोचिएगा चैप्टर खत्म हो गया अब चैप्टर तो शुरुआत हुआ है अभी तो हम सिर्फ सब्जी काट रहे थे टमाटर प्याज वगैरह 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 अभी अलग अलग फ्लेवर एड हो गया चलिए तो सबको बात समझ में आ गई होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए ठीक से क्वेश्चन नंबर जो DKG का था उसको फिक्स मेथड से कर लीजिएगा ओके okay? और जो क्वेश्चन नंबर्स आपने फ्लक्चुएटिंग uh, से किए थे उन सबको भी फिक्स से करके लाएंगे होमवर्क में फाइन जो जो लास्ट होमवर्क फ्लक्चुएटिंग से था वो पूरा होमवर्क फिक्स है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर जैसे है वैसे ही करने उसको फिक्स से करने की जरूरत नहीं है तो अच्छा लगा हो लेक्चर तो थेंगा दिखा दीजिएगा यूट्यूब पर